बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां नेम और पैसा पाने के लिए स्टार्स कुछ भी कर गुजरते हैं। बॉलीवुड के कई ऐसे पॉपुलर चेहरे हैं जिन्होंने अपनी सारी लिमिटेशंस को ब्रेक कर बी और सी ग्रेट फिल्मों में काम किया। आज आरआर सिनेप्लेक्स ऐसे ही स्टार्स का नाम आपको बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कैटरीना कैफ के नाम के साथ। जी हाँ, हम विकी कौशल की दुल्हनिया कैटरीना कैफ की ही बात कर रहे हैं। बेशक आज की डेट में कैटरीना हिट फिल्म की हीरोइन हो, मगर ये भी सच है कि उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू बी सर्टिफिकेट मूवी से किया था और उसका नाम था बूम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी। लेकिन बेशक फिल्म फ्लॉप रही हो, कैटरीना की बोल्डनेस की वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, जो कि आगे चलकर उनके लिए सही साबित भी हुई। आज की डेट में कैटरीना अब बड़ा नाम बन चुकी हैं, बड़ी हीरोइंस के लिस्ट में सबसे आगे रहती हैं। अगला नाम आता है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, बॉलीवुड के शहंशाह कहलाने वाले अमिताभ बच्चन भी बी ग्रेट फिल्म बूम में काम कर चुके हैं और इसी फिल्म में कैटरीना कैफ भी थी। हालांकि अपनी फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन को आज भी अफसोस रहता है। वो मानते हैं कि इस फिल्म को करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि इस फिल्म के अलावा उन्होंने निशब्द नाम की फिल्म जिसमें जिया खान उनके साथ थी, उसमें भी कुछ उनके बोल्ड सीन थे। इन दोनों ही फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अमिताभ बच्चन की इमेज को कोई हानि नहीं हुई। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो अमिताभ बच्चन का फैन ना हो। उनके चाहने वाले उनकी फ्लॉप नहीं, बल्कि उनको उनकी हिट फिल्मों के लिए याद रखते हैं। अगला नाम आता है सनी लियोनी का। सनी लियोनी के पास कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले सनी लियोनी एक एडल्ट फिल्म की हीरोइन थी। लेकिन सनी की जिंदगी में साल 2011 टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्होंने रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री की थी। उसके बाद वो डायरेक्टर महेश भट्ट की फिल्म जिस 2 में लीड रोल में नजर आई और धीरे धीरे आज की डेट में सनी बॉलीवुड की फिल्मों की हीरोइन बन चुकी हैं। अगला नाम आता है कपूर खानदान की लाडली बेटी और नवाब सैफ अली खान की बेगम यानी करीना कपूर खान का। करीना खान ने भी एडल्ट मूवी में काम किया है जिसका नाम था चमेली। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुधीर मिश्रा। इस फिल्म में करीना ने एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया था जिसमें उनके रोल की काफी तारीफ हुई थी। बेशक इस फिल्म में करीना का रोल बोल्ड रहा हो, लेकिन यही फिल्म उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित भी हुई। अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने बी ग्रेड मूवी की थी जिसका नाम था मिस्टर बॉन्ड, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ममता कुलकर्णी। 90 की दशक सेंसेशनल एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी बी ग्रेट मूवीज में काम कर चुकी हैं। उस फिल्म का नाम था डिवाइन टेंपल खजुराहो, जिसमें उन्होंने काफी बोल्ड सीन्स किए थे। ममता कुलकर्णी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी एक्टिंग और हुनर के जरिए बहुत नाम कमाया। हालांकि आज की डेट में वो इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। राजेश खन्ना। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने एक्टर राजेश खन्ना ने यूं तो अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में की, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कमबैक करने के लिए एक बी ग्रेड फिल्म का सहारा लिया। फिल्म का नाम था वफा ए डेडली लव स्टोरी। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद राजेश खन्ना को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। मिथुन चक्रवर्ती। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपनी फिल्मी करियर में क्लासिकल डांस ऑफ लव नाम की एक फिल्म की थी, जिसमें उन्होंने एक डांस टीचर का रोल प्ले किया था जो अपनी स्टूडेंट से अट्रैक्ट हो जाता है। फिल्म में कई बोल्ड सीन थे। हालांकि इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को भी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की तरह काफी आलोचनाएं सहनी पड़ी थी। अगला नाम आता है शक्ति कपूर का। 90 के दशक में बेहतरीन विलेन और कॉमिक किरदारों को निभाने वाले एक्टर शक्ति कपूर ने भी कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। उनमें से एक थी मेरी लाइफ में उसकी वाइफ, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। लेकिन ये फिल्म कब आई कब गई किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। मनीषा कोइराला। 90 के दशक में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी साल 2002 में फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में एक बड़ी उम्र की महिला और एक युवा लड़के के बीच रोमांटिक रिश्ते को दिखाया गया था। इस फिल्म की चर्चा काफी वक्त रही क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट काफी बोल्ड था। फिल्म में मनीषा कोइराला ने काफी सारे बोल्ड सीन्स दिए थे।
अगला नाम आता है दत्त परिवार की बहू और संजय दत्त की ब्यूटीफुल वाइफ यानी मान्यता दत्त का। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मान्यता ने भी काफी स्ट्रगल किया और इसी वजह से उन्होंने कई बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। साल 2003 में फिल्म गंगा जल में भी उनका एक आइटम नंबर था जिसमें उनके कपड़ों को काफी क्रिटिसाइज किया गया। मान्यता दत्त का असली नाम दिलनाज शेख है। संजय दत्त से शादी करने से पहले उन्होंने अपना नाम और धर्म दोनों बदल दिया। ईशा कोपिकर, जिन्हें इंडस्ट्री में खलास गर्ल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने भी हसीना, सेक्सी और डेंजरस जैसी कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। हालांकि आज की डेट में ईशा फिल्मों से काफी दूर हैं और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। तो देखा दोस्तों, ये हैं वो चेहरे जिन्होंने नेम, फेम और पैसे पाने की वजह से बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। हालांकि आज की डेट में इन सभी स्टार्स ने बी ग्रेड और बोल्ड फिल्मों से अपनी दूरी बना ली हो, मगर अब क्या फायदा, इन स्टार्स का नाम तो बदनाम हो ही चुका है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए दर्शक हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल आर आर सिनेप्लेक्स।